हाय फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं मोनो ऑटो केयर और मैं आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ ACDI 450+। ये मॉडल का जो ट्रैक्टर थे इसके इंजन ऑयल और कोनेल एक साथ मिक्स हो रहा था। ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा दूंगा ये वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। इसका प्रॉब्लम थे लाइनर का जो रिंग थे वो टूट गया था, इसलिए कूलेंट इंजन ऑयल में मिक्स हो रहा था। जितना भी सामान आप लोग देख लिया जेन्युइन पार्ट थे, पोस्ट करके आप लोग देख सकते हैं उसका प्राइस कितना है। लाइनर का जो वायरिंग है देखिए, मैंने सबको बिठा दिया है। देख लीजिए लाइनर का जो वायरिंग है इसमें एरेलेट आठा मारना है अच्छे से ताकि लीकेज ना हो। फिर से पावरटेक हीरो 50 का रिलीज बियरिंग प्रेशर प्लेट क्लच डिश कैसे लगाने हैं, ये वीडियो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, ये देखकर वो भी देख सकती हैं। अभी देख लीजिए इसका लाइनर में एरेलेट आठा मैंने मार दिया है, अभी इसको अच्छे से बिठाना है। देखिए ये तो बैठ गया है अभी, ये लाइनर एक नंबर का जो है शायद नीचे से भी थोड़ा सा देख सकती है आप लोग। अभी देखिए सारो लाइनर मैंने बिठा दिया है, अभी पिस्टन लगाना बाकी है। पिस्टन रिंग का पैकेट देख सकती है आप लोग, यही है रिंग पिस्टन। पिस्टन रिंग लगा दिया मैंने, अभी लाइनर में पिस्टन फिटिंग करना है। और देखिए ये जो कनेक्टिंग का जो बियरिंग है इसी तरह से बिठाना है। पिस्टन रिंग बिठा दिया, अभी इसको पिस्टन रिंग पुलर से इसको फिटिंग करना है, बाद में पिस्टन बिठाना है। देखिए यहाँ पिस्टन बिठा दिया, रिंग पुलर बिठा के रिंग पुलर टाइट करना है। टाइट करने के बाद थोड़ा नीचे की ओर प्रेस करना है, खुद ब खुद नीचे की ओर जाएगा। पिस्टन मैंने चारों के चारों फिटिंग कर दी है, अभी हेड देखिए, हेड को फिटिंग करना है। ये देखिए यही गैस्केट है, हेड गैस्केट। अभी देखिए हेड तो बिठा दिया है, अभी इसका जितना भी बोल्ट है बोल्ट लगाना है और टाइट करना है। हेड का जितना भी बोल्ट है मैंने अच्छे से टाइट कर दिया है, अभी पुश रॉड बिठाना है। पुश रॉड बिठाने के टाइम में थोड़ा सा ध्यान से बिठाना है, सब के सब पुश रॉड बिठाने में थोड़ा लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैंने थोड़ा कट कर दिया है। अभी देखिए रॉकर जो थे, रॉकर भी मैंने बिठा दिया है, इसका टेबिट भी मिला दिया है मैंने अच्छे से। अभी देखिए यहाँ एयर क्लीन और नोजल नोजल पाइप जितने भी सामान थे लगभग सब कुछ मैंने लगा दिया है सिलेंसर। अभी इसको स्टार्ट करना बाकी है।
इसको देखिए स्टार्ट भी कर दिया है, और फिर से एक बार बोल रहा हूँ भाई प्लीज़ ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए दोस्तों के, शेयर की, थैंक्स फॉर वॉचिंग।